नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 55 साल पूरे कर चुका है। विश्वविद्यालय 11वें दीक्षांत समारोह के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यहां पर 24 दिसंबर को विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल की मौजूदगी में मनाया जाएगा। इस मौके पर सदगुरु श्री रितेश्वर जी पीठाधीश्वर आनंदम धाम पीठ श्री धाम वृंदावन मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद होंगे। दीक्षांत समारोह में राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन खास तौर से मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में डॉक्टर राजकुमार आचार्य कुलपति की उपस्थित में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। आज रीवा के विश्वविद्यालय में पत्रकार वार्ता करके इस बात की जानकारी दी गई। सत्र 2021-22 की डिग्रियां, पीएचडी अवार्ड, स्वर्ण पदक और विगत वर्ष की एमफिल डिग्रियों का वितरण माननीय कुलाधिपति महोदय के हाथों से किया जाएगा, जिसकी तैयारियां काफी लंबे समय से चल रही थी। सुनिए डॉक्टर राजकुमार आचार्य कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने पत्रकार वार्ता करके क्या कुछ कहा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का ये 11वां दीक्षांत समारोह है। इस सब की तैयारियां चल रही हैं, अतः आज के उपस्थित बंधुओं का, जिनको आमंत्रित किया गया है, ऐसे सारे बंधुओं का मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 24 दिसंबर 2023 को 11 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय और कुर्सियाँ रखवा दी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और आनंद धाम वृंदावन से संत हैं सितेश्वर जी महाराज जी, वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। हमारे बिंद के, जिन्हें हम विकास पुरुष कहते हैं, ऐसे और जनप्रतिनिधि, हम सबके उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र जी शुक्ल कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। और कार्यक्रम 24 दिसंबर को प्रारंभ 11 बजे होगा। इसमें पीएचडी की 41 डिग्रियों का वितरण सत्र 22-23 की होना है। लगभग 45 पीजी डिग्रियों का वितरण होना है। ऐसे कुल 86 उपाधियों का डिग्रण होगा, वितरण होगा। और स्वर्ण पदक भी 22 और 23 के मिला के ऐसे कुल 48 स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक का वितरण होगा। कुलपति स्वर्ण पदक 48 हैं, इसी प्रकार दानदाता स्वर्ण पदक 12 हैं। तो ऐसे 115 लगभग स्वर्ण पदक सब मिला के और 86 उपाधियाँ, इनका वितरण और महामहिम के करकमलों से और मंचस्थ अतिथियों के करकमलों से होता है। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।